वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वही है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है वहाँ मिनिस्टर्स में। और दूसरा, they don't have good advisors also to advise them. पॉइंट ये, चलिए आप मिनिस्टर थे, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है बट कार्य करना चाहते हैं देश के लिए, आप जीत गए, मगर आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके एडवाइजर हैं, जो पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचे हैं, जो IAS टाइप के हैं, उन्होंने उनको गाइड क्यों नहीं किया, या उन्होंने उनसे पूछा क्यों नहीं, या वो एग्जिस्ट नहीं करते इस टाइप के लोग? मुझे तो लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं सच्ची पता नहीं, क्योंकि वो पूछ सकते थे, भैया ये मेजर गौरव आर्या का है, जरा इसको बताओ उसका क्या करना है। और जिनके क्रिटिसिज्म किया था उन लेडी का, लेडी बता रहे, अरे भाई ये तेरे साथ ही था, मेरा तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, कहते ना कि आपको ना दो बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए, ठीक है। तो इंडिया ने पहल कर दी है। After a powerful 7.6 magnitude earthquake struck Japan's west coast, it triggered a tsunami up to 1.2 meters high. लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है, भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी। दूर दूर तक अक्षरों के हिसाब से मैं नहीं देख रहा, आपको कर्जे कर्जे चुकाने के लिए कहने पड़ेंगे, और ये बात बहुत देर से। मोदी साहब की पॉलिसीज़, दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूँ आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तोहीन है। इंडिया के पास है ना, तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले इंडिया के पास है तो दे रहे हैं, हमारे पास क्या है? सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। इससे पहले तुर्की में बहुत पूरे तरीके से जलजला आया था, वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था, वहाँ के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है भारत। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप के पहले झटके के बाद जापान में लगभग 80 टाइम्स धरती में कंपन महसूस की गई। स्थिति इतनी भयानक थी कि धरती में दरारें आ गई और प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। इसके बाद जापानी पीएम कशिदा ने भी लोगों से अपील कर दी कि वो समुद्री तट के इलाकों को खाली कर दें। आपको यहां बता दें, इशिकावा, निकाता और फुकुई प्रांतों में लगभग 33,000 घर बिजली के बिना रहे। उत्तर मध्य जापान में आए विनाशकारी भूकंप और उसके बाद आई सुनामी के जवाब में भारतीय दूतावास ने प्रभावित लोगों को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। 7.6 तीव्रता के भूकंप ने जापान के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में तत्काल निकासी अलर्ट शुरू कर दिया है, और संकट की इस घड़ी में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए एक्स हैंडल पर अपने नंबर जारी कर दिए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा कि भारतीय दूतावास ने सबसे पहले इस मुश्किल की घड़ी में अपने दरवाजे खोल दिए। हमेशा भारत सबसे पहले जाता है, बेशक 200 दुश्मन वहाँ पर है, जलजला है जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है, सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है, भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी, वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवाई जाएंगी जो वहां के मुतासरीन को हेल्प करेंगी, वहां के मुतासरीन के काम आएंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनको बताते हैं कि इससे पहले तुर्की में बहुत पूरे तरीके से जलजला आया था और वहां पर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था, वहां के लोगों ने अपनी दुकानों पर थैंक यू दोस्त इंडिया लिखा, उनको खराज तहसीन पेश किया। अब जापान में बहुत बड़ी मदद भेजने वाला है भारत, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जानेंगे लोगों से। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही है तो उसमें डेफिनेटली हम लेक कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज वे बेटर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट,
उसमें डेफिनेटली हम तो खुद अपने मुल्क में जो अभी तक हमारे जो यहाँ पे सैलाब का मसला था उधर हम अपने लोगों को अभी तक पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली इट्स अ गवर्नमेंट लेवल। तो मैं ये जरूर चाहता हूँ और हमारा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा इमेज हमारे रोल है अपने इतने कि हम अपनी नहीं मदद कर सकते। गवर्नमेंट ने तो तब क्या किया था जब तुर्की के अंदर जलजला आया था, उन्हीं की चीजें पैक करके दे दी थी, उन्होंने पहचान ली थी, तब हमारी आवाम कहाँ पर थी। अच्छा क्या डिफरेंस आ जाता है फिर उनमें और हमें कि जापान के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उनकी हेल्प कर गवर्नमेंट लेवल पर भी एक्शन लेना बहुत बड़ी चीज है। अगर यहाँ पे ये डिक्लाइन में है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी जो है इज राइजिंग और फल फूल रही है? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसके साथ सबसे बड़ी अटैच चीज ये होती है रेट ऑफ लिटरेसी, कि जो लोग आपके वोटर हैं उनकी उनकी तालीमी सतह क्या है, क्या उन्हें पता है कि व्हाट इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या है, लोग ये जाके किस तरीके से हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे। वहां पे फिर लोग ये करते हैं कि एक एक प्लेट बिरयानी के लिए एक एक बिस्की की बोतल के लिए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। हाँ भाई बिरयानी इधर चलती है और वोट्स निकल जाते हैं, सही बात है। इधर बिरयानियाँ चलाई जाती हैं, बस उनको बिरयानी खिलाओ वोट उनका, बस और मसला नहीं है, बिरयानी के ऐसे दीवाने। चलो इसको छोड़ो, देखो यार दोस्त असली वो होता है जो मुश्किल में काम आए, और भारत वही करता है। भारत सबसे पहले भाई उसको दूतावास में भारत तो दुश्मनों को सबसे पहले काम आता है, ये तो अपना दोस्त होता है सबसे पहले की बात। भारत की जो उधर थी ना एम्बेसी, उसने काम शुरू कर दिया उसी टाइम इमरजेंसी, इधर से तो मदद जानी जानी थी ना, उससे पहले उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले मेरे ख्याल से मदद का भी ऐलान किया है, शायद एनडीआरएफ की टीम भी भेजे, अपनी आर्मी भी शायद इंडिया भेजे, और या हो सकता है आज भेज दे या कल भेज दे, जब भी जाए सामान भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये होती है दोस्ती, इंडिया अपने दोस्तों को जो है ना नहीं भूलता, दुश्मनों की कितनी मदद, तुर्की की कितनी मदद की, उसके बावजूद तुर्की इंडिया को क्या बोलता रहा, लेकिन सबसे पहले इंसानियत कितने, इंडिया इंसानियत का सोचता है, ये नहीं सोचता ये मेरा दोस्त है ये मेरा दुश्मन है, सबको फिर इक्वली इधर ट्रीट करता है। अगर सच बोलू ना, ये दो साल पहले जब सैलाब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आया था ना, तो इंडिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान, ऑफर की थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो उस टाइम रिजेक्ट कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। उस टाइम पाकिस्तान को जो है ना बड़ी जरूरत थी, इंडिया ने सबसे पहले कहा था कि हम भी मदद के लिए मुझे अच्छे तरीके से, पाकिस्तान ने सही से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हम पीछे रह गए, क्योंकि भारत अब मदद हमारी क्यों नहीं करता, क्योंकि हम भारत ने जितनी बार हाथ बढ़ाया हम पीछे हाथ ले गए। बिल्कुल ये बात, सर जाहिर बात है भारत को ये चीज बुरी लगी, आप भारत पूछते ही नहीं, वाकई में वाकई, तो सीधी सी बात है तुम नहीं करोगे तो यही होगा। भारत दुश्मनों की भी मदद कर दे तो फिर पक्का यार जापान है भारत का, इसकी तो भारत मदद करेगा ही करेगा। 2011 में मेरे ख्याल में जो आए थे उसमें भी भारत ने बहुत बहुत ज्यादा टीम भेजी थी, सुना एनडीआरएफ गई थी, बहुत बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।